बच्चों, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप। हम लोग अभी एस ब्लॉक समाप्त कर चुके हैं। एस ब्लॉक में फर्स्ट डे और सेकेंड डे एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारी धातुएं और क्षारी मृदा धातुएं, वो पढ़ चुके थे। और इसके बाद अगला चैप्टर लास्ट टर्म पे स्टार्ट किया, कौन सा? एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप, 13वें समूह के तत्व। 13वां समूह को हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि बोरॉन इस ग्रुप में 13 ग्रुप में सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। तो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टर्म पर। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली, ठीक है ना, बोरॉन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी कल डिस्कस कर चुके थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बोरॉन फैमिली, बोरॉन एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, केवल बी। बी एलिमेंट बोरॉन का सिंबल है बी, और ये 13 ग्रुप में सबसे ऊपर है, इसीलिए इसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। अब बोरॉन फैमिली या बोरॉन परिवार जो कि 13 ग्रुप का है, उसके करैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसको हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। आज उसी के आगे और डिस्कस करते हैं। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 एलिमेंट है ना। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली में, बोरॉन जो सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर पर इनएक्टिव रहता, किसी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर, बोरॉन को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करें तो ये H3BO3 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 बनता है। आर्थोबोरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर बोरॉन की। नेक्स्ट, बोरॉन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं जल से, तो ये NaBO2 बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और क्या ये NaBO2 क्या है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। तो यहाँ बोरॉन एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है, अर्थात ये एम्पोटेरिक है, उभयधर्मी है, अम्ली के समान भी गुड बिहेव करता है और क्षार के समान भी, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन ये कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोरॉन की एसिड से भी रिएक्शन हो रही है और बेस से रिएक्शन ये हो रही है। एसिड से नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं तो आर्थोबोरिक एसिड बन रहा है, और बेस से करा रहे हैं तो सोडियम मेटाबोरेट प्राप्त हो रहा है। इसी के पश्चात एल्युमिनियम की रिएक्शन जल से कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlO2, और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है गर्म करने पर। और इसी तरह एल्युमिनियम की HCl से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ बेस से कराया, यहाँ पर एसिड HCl से करा रहे हैं, तो एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड बनता है AlCl3, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार बोरॉन जो है उसमें क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती, ट्राईवैलेंसी, 3 संयोजकता होती है, और ये कोवैलेंसी, सहसंयोजकता दिखाता है, जबकि शेष जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या दिखाते हैं, आयनिक। और ऊपर से नीचे चलने पर इसकी जो
प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, वो डाउन होती चली जाती है। ये जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, गैलियम है, ये सब हाइड्राइड भी बनाते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम गैलियम हाइड्राइड LiGaH4, ये हाइड्राइड भी बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम 13 ग्रुप का है, ये हाइड्राइड बनाता है। इसमें लास्ट टाइम से पूछा था कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड क्या होते हैं, जटिल यौगिक क्या होते हैं, जो उपसहसंयोजकता प्रकट करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेट। अब जैसे यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट लगा हो ना, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम गैलियम हाइड्राइड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक जटिल यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। इसी प्रकार से ये तो ये ध्यान रखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कई जगह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है ना, और H3BO3 हाइड्रोक्साइड बनाता है ये। लेकिन इन दोनों का जो नेचर होता है, इनकी प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, अम्ली होती, एसिडिक होती। और इनके जो बोरॉन, बेरियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सभी सस्यक्रम पर क्रिया करके रिएक्ट करके BBr3, BCl3, BF3 ये कंपाउंड्स बना लेता है। लेकिन ये कंपाउंड बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार कैसी हो रही है, ये डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। यहाँ पर जो AlCl3 है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम की बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बारीक कक्षा में 1 होता है, तो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को एल्युमिनियम यदि इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसकी बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये इस रूप में रहता नहीं है, AlCl3 के रूप में नहीं रहता है, ये डाइमर रूप में रहता है, मतलब कि दो अणु आपस में मिल जाते हैं, तो AlCl3 का बन जाता है Al2Cl6, जस्ट डबल। Al एक है तो Al2 हो जाता है, Cl3 है तो ये Cl6 बन जाता है, तो ये डाइमर रूप कहलाता है, डाइमर फॉर्म। और इस रूप में ये रहता है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। तो एल्युमिनियम कितने, एक क्लोरीन कितने, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 एल्युमिनियम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम की बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन से ये कोवैलेंसी बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा, और इधर भी एल्युमिनियम 3 से ये सहसंयोजक बंध बना लेगा, और इसके पश्चात ये क्लोरीन, अब एल्युमिनियम 3 से साझा कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हुए, 6, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। और कोई एलिमेंट रिएक्शन कैसे करता है, कब तक करता है, जब तक कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो रिएक्शन करता नहीं। जैसे 0 ग्रुप के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, कैप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ये 3 क्लोरीन से पार्टनरशिप बना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 6 हो जाएंगे, 2 की कमी रहेगी, तो ये क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, मतलब 6 हो गए तो 2 दे देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 क्लोरीन से एल्युमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा, और ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन देगा,
जिससे कि इसका ऑक्टेट एल्युमिनियम का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 का ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं कि कैसे बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड का ये डाइमर रूप का स्ट्रक्चर। इसके बाद एल्युमिनियम कार्बन से क्रिया करके Al4Cl3 बनाते हैं, ये क्या कहलाता है एल्युमिनियम कार्बाइड। तो इसको लास्ट चैप्टर पर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है वो जल से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम कार्बाइड क्या बनाता है, मेथेन गैस बनाता है। ये भी याद रखेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4Cl3 एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके मेथेन गैस का निर्माण करता है, ठीक है ना। इसी तरह से बोरॉन कार्बाइड हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड वैसे बोरॉन कार्बाइड, ठीक है ना। तो ये वाटर से रिएक्ट करके मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो 13 ग्रुप हैं, जिसको कि हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऊपर एलिमेंट, 13 ग्रुप में सबसे ऊपर सबसे पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। और इसमें 5 एलिमेंट हैं, वो आपको याद रखने हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। और इसमें बोरॉन एल्युमिनियम तो कॉमन है, मिल जाते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम ये 3 एलिमेंट कैसे हैं, रेयर एलिमेंट्स हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था कि ये रेयर एलिमेंट है, बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में भी नहीं दिखाया, लेकिन वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे कि एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट किया कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो कल कुछ डिस्कस की थी, आज डिस्कस कर ली। तो ये करेक्टर्स जो होते हैं उनको डिस्कस कर लिया, समाप्त कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बोरॉन और एल्युमिनियम ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत अधिक डिफरेंस होता है। जबकि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, वो समान होने चाहिए। लेकिन बोरॉन और एल्युमिनियम, बोरॉन के बाद सीधा एल्युमिनियम आता है, पहला एलिमेंट बोरॉन, दूसरा एल्युमिनियम, ठीक है ना। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरॉन एल्युमिनियम जो पहले दूसरे एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं होती है। तो सेम क्यों नहीं होती है और क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो और करेक्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो इसको समझ करके अच्छी प्रकार से और अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।